Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we'll be learning practice set 1.3 of lesson 1 basic concepts in geometry of standard 9th. अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? Write the following statements in if-then form. If-then form यानी conditional form आता है, okay? ये conditional form क्या होता है? ये हम देख चुके हैं. Theory part जो देखा था हमने पिछले video में, उसमें हमने सब कुछ देखा था. जैसे if से लेकर then तक, जो भी आपका statement आता है, उसे हम एंटीसिडेंट पार्ट कहते हैं, देन के बाद वाला कॉन्सिक्वेंट रहता है. ओके, सो देखो, अब पहला क्वेश्चन है, दी अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. अब ये जो भी स्टेटमेंट रहेंगे, इनको जब आपको इफ देन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक स्पेसिफिक कीवर्ड रहेगा वहां पे, जिसके इर्द गिर्द वो स्टेटमेंट घूमेगा. जैसे यहां पे बोला है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो कीवर्ड यहां पे पैरेललोग्राम है, कि भाई पैरेललोग्राम के बारे में बात हो रही. So, हर स्टेटमेंट में जो भी आपको के एग्जांपल दिए जाएंगे, हर एग्जांपल में एक स्पेसिफिक कीवर्ड रहेगा. अब वो कीवर्ड कौन से फैमिली को बिलोंग करता है वो देखो. जैसे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, पैरेललोग्राम बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, सो आप इफ से लेकर देन तक पैरेललोग्राम की फैमिली के बारे में बात करोगे. जैसे यहां पर आप लिखते हो, क्या लिखोगे आप? इन्होंने क्या बोला है? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप लिखोगे इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम. अब यहां पर पैरेललोग्राम है, वो कौन से फैमिली को बिलोंग करता है वो हमने बोला है कि अगर दैट क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, अगर गिवन क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम है तो इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. Its opposite angles are congruent. तो जब भी आप conditional statement लिखते हो, वो आप keyword ढूंढो वहां पर, और वो keyword कौन से family को belong करता है, वो चीज if से लेके then में आएगी, और उसके बाद कि भाई वो ये family को belong करता है तो क्या होता है, वो जो property है वो then के बाद आएगा. बराबर? अब देखो, अगर आपको मैंने ऐसा कोई question दिया, every prime number has two divisors. Every prime number has two divisors. अब इसको कंडीशन में कन्वर्ट करना है अपने को. अब कीवर्ड है प्राइम नंबर. प्राइम नंबर कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? टू द फैमिली ऑफ नंबर्स. सो हम कैसे लिखेंगे? इफ द गिवन नंबर इज प्राइम, इफ द गिवन नंबर इज प्राइम देन इट हैज टू डिवाइजर्स. तो एक कीवर्ड ढूंढना है, और वो कीवर्ड कौन से फैमिली को बिलोंग करता है वो लिखना है, बस इफ से लेके देन के बीच में, और देन के बाद वो प्रॉपर्टी आएगी. अब जैसे आप ये सेकंड क्वेश्चन देखो, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. अब यहां पे कीवर्ड आपका रेक्टेंगल आ गया. ओके, अब रेक्टेंगल अगेन बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्वाड्रिलैटरल. सो इफ द गिवन क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल, अगर गिवन क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल है तो देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बहुत आसान है. ओके, बस कीवर्ड ढूंढ के निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, इन एन आइसोसेलियस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस. कीवर्ड कौन सा है? आइसोसेलियस ट्रायंगल. तो आप क्या लिखोगे? इफ द गिवन ट्रायंगल. ओके, अब आइसोसेलियस ट्रायंगल जो है इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ट्रायंगल्स. So, if the given triangle is an isosceles triangle, then ऐसा होने पर ये पूरा पार्ट देन के आगे आएगा. Then the segment joining vertex and midpoint of the base is perpendicular to the base. So, आप ये चीज समझ गए होंगे. If से लेके देन तक हम क्या करते हैं, वो given keyword जो है वो कौन सा family को belong करता है वो देखते हैं, और देन के बाद वो जो प्रॉपर्टी है वो लिखते हैं कि भाई उस फैमिली को बिलोंग करता है रेक्टेंगल बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स देन डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ओके, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, अगर गिवन क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो उसका डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. वैसे ही यहां पे आया था, इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, अगर वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो क्या होगा? अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. वैसे ही इफ द गिवन ट्रायंगल इज एन आइसोसेलियस ट्रायंगल, तो द सेगमेंट
joining the vertex and midpoint of the base is perpendicular to the base. ओके काफी आसान है ये चीज, बस कीवर्ड ढूंढ के निकालो कौन से फैमिली को बिलोंग करता है वो देखना है. क्वेश्चन टू देखो, राइट कॉन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पिछले क्वेश्चन में आपने स्टेटमेंट्स को कंडीशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया था. कंडीशनल फॉर्म में हम क्या करते हैं, गिवन स्टेटमेंट इफ देन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. इफ से लेके देन तक का पार्ट एंटीसीडेंट कहलाता है, देन के बाद का पार्ट कॉन्सिक्वेंट कहलाता है. अब इन्होंने क्या बोला है, कॉन्वर्स लिखना है. सो कंडीशनल का जो अपोजिट होता है, मतलब क्या करना पड़ता है, कंडीशनल का जो एंटीसीडेंट है उसको बनाना पड़ता है कॉन्सिक्वेंट, और कॉन्सिक्वेंट को एंटीसीडेंट, तब वो कहलाता है कॉन्वर्स. ओके सो कॉन्वर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहली बात तो गिवन स्टेटमेंट कंडीशनल फॉर्म में दिया रहना चाहिए. हाँ, अगर वो कंडीशनल फॉर्म में नहीं भी दिया रहा तो भी हम डायरेक्ट कॉन्वर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे ये स्टेटमेंट देखो, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट. ये इफ देन फॉर्म में नहीं है, मतलब ये कंडीशनल फॉर्म में नहीं है. तो आप ये कर सकते हो कि पहले इसको कंडीशनल में कन्वर्ट करो फिर कॉन्वर्स में, या डायरेक्टली कॉन्वर्स में कर सकते हो अगर आपको वो इजी जाता है तो. मैं आपको पहले कंडीशनल में कन्वर्ट करके बताऊंगा और उसके बाद कंडीशनल से हम कॉन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे. सो अब देखो कंडीशनल फॉर्म क्या होता है, इफ देन फॉर्म. अब मैंने जैसे आपको बताया पिछला क्वेश्चन, कंडीशनल फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, एक कीवर्ड देखते हैं. अब यहां पे क्या बोला गया है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट. अब कोई बोलेगा यहां पे कीवर्ड अल्टरनेट एंगल्स है, कोई बोलेगा पैरेलल लाइंस है, कोई बोलेगा नहीं ट्रांसवर्सल हो सकता है. तो अब देखो यहां पे कीवर्ड पैरेलल लाइंस है, बिकॉज आप जब अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म करते हो तो आपको दो लाइंस तो लगती ही है, बराबर है, आपको दो लाइंस लगती ही है. हाँ, अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल रही तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, और पैरेलल लाइंस के साथ साथ ट्रांसवर्सल भी लगता है. सिर्फ दो पैरेलल लाइंस या दो लाइंस, जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, बराबर है. दो पैरेलल लाइंस तैयार करने के लिए अल्टरनेट एंगल्स या ट्रांसवर्सल की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अल्टरनेट एंगल्स तैयार करने के लिए दो पैरेलल लाइंस पे ट्रांसवर्सल होना चाहिए. जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट एंगल, इसका अल्टरनेट एंगल ये और इसका अल्टरनेट एंगल ये. ओके, और लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, और लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो भी अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म तो होंगे पर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे. ये हम अगले लेसन में देखने वाले हैं, ये स्टैंडर्ड 8 में भी हम देख चुके हैं. तो सिंपल है, मेरा बोलने का ये मतलब है कि कीवर्ड पैरेलल लाइंस क्यों रहेगा, क्योंकि भाई अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होने के लिए पैरेलल लाइंस के साथ ट्रांसवर्सल होना चाहिए. अब आप बोलोगे सर पैरेलल लाइंस के साथ ट्रांसवर्सल भी जरूरी है, तो ट्रांसवर्सल भी कीवर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है. देखो दो पैरेलल लाइंस अगर मैंने ड्रॉ भी कर दिया तो वो चीज समझ में आती है, वो इंडिपेंडेंट है, वो ना ट्रांसवर्सल पे डिपेंडेंट है ना अल्टरनेट एंगल्स पे डिपेंडेंट है. ओके, पर अल्टरनेट एंगल्स का फॉर्मेशन जो है वो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल पे डिपेंडेंट है, तो हमारा कीवर्ड रहेगा पैरेलल लाइंस. अब देखो कीवर्ड तो मिल गया, कीवर्ड मिलते से मैंने आपको बोला है वो कौन से फैमिली को बिलोंग करता है वो देखना है. तो पैरेलल लाइंस बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लाइंस, तो आप क्या लिखोगे, इफ टू लाइंस आर पैरेलल इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन द अल्टरनेट एंगल्स देन द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड by them and their transversal are congruent. क्या है conditional form, if two lines are parallel then the alternate angles formed by them, यानी उन parallel lines से जो alternate angles form किए हैं उनके transversal के साथ वो congruent रहेंगे. this is conditional form. अब converse में convert करना, कॉन्वर्स मतलब क्या, कंडीशनल का पूरा उल्टा. इफ से लेके देन तक का पार्ट एंटीसीडेंट है कंडीशनल का, वो कॉन्वर्स का कॉन्सिक्वेंट बन जाएगा, और जो कंडीशनल का कॉन्सिक्वेंट पार्ट है क्या है,
the alternate angles formed by them यानी parallel lines and their transversal are congruent, ये बनेगा antecedent. तो सिंपल है, क्या करना है आपको, इफ ये यहां से लिखो देन के बाद से, इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय देम के जगह टू पैरेलल लाइंस, सॉरी टू लाइंस, पैरेलल लाइंस नहीं, टू लाइंस, ओके. इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइंस, पैरेलल मत लिखना क्योंकि वो लाइंस पैरेलल है, यह हमें एंटीसीडेंट पार्ट में बताना. So, क्या आएगा स्टेटमेंट, इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, देन ऐसा होने पर द टू लाइंस आर पैरेलल. तो देखो आसान तरीका तो यही है मेरे हिसाब से कि गिवन स्टेटमेंट अगर कंडीशनल फॉर्म में नहीं है तो पहले उसको कंडीशनल में कन्वर्ट करो और फिर वहां से उसको कॉन्वर्स में कन्वर्ट करो. एक बार फिर से देखो, हमने यहां पे कीवर्ड पैरेलल लाइंस लिया, दे बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लाइंस. हम कंडीशनल फॉर्म में क्या करते हैं, इफ से देन में वो जो कीवर्ड है वो कौन से फैमिली को बिलोंग करता है बस उतना ही लिखते हैं. सो हमने लिखा यहां पे इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ओके, ऑब्वियसली दो लाइंस की बात हो रही है, पैरेलल बोल रहे हो तुम. इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ऐसा होने पर द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय देम, अल्टरनेट एंगल्स किसने फॉर्म किए, टू पैरेलल लाइंस ने विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रांसवर्सल, तो वो अल्टरनेट एंगल कैसे रहेंगे, कॉन्वर्ट. कब, जब लाइंस पैरेलल रहेगी. सो अब इसका कॉन्वर्स मतलब ये पूरा उल्टा कर देना. सो ये जो आपका पार्ट था एंटीसीडेंट, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, वो बनेगा कॉन्सिक्वेंट, मतलब हम कॉन्सिक्वेंट में बताएंगे कि भाई लाइंस पैरेलल है, ओके, लाइंस कितनी है, दो. और ये जो आपका पार्ट था एंटीसीडेंट पार्ट, सॉरी कॉन्सिक्वेंट पार्ट, ये कॉन्वर्स का बनेगा एंटीसीडेंट, मतलब इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय देम के जगह टू लाइंस आएगा, पैरेलल मत लिख देना. इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स तैयार किए दो लाइंस और ट्रांसवर्सल है, और अगर वो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ऐसा होने पर द टू लाइंस आर पैरेलल, ओके. सेकेंड क्वेश्चन देखो, If a pair of interior angles made by a transversal of two lines are supplementary, then the lines are parallel. अब ये ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्म है, इफ देन फॉर्म है, इसको कॉन्वर्स में कन्वर्ट करना है. सो कॉन्वर्स में जब कन्वर्ट करोगे तो एक्चुअल कंडीशनल में देन के बाद का जो पार्ट है, ओके, द लाइन्स आर पैरेलल, वो कॉन्वर्स में एंटीसीडेंट बन जाए. मतलब हम लेंगे इफ द लाइन्स आर पैरेलल, इफ द लाइंस आर पैरेलल, देन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ द टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री. क्या क्या हमने कॉन्वर्स में, देन के बाद का जो पार्ट है कॉन्सिक्वेंट, जो कंडीशनल का था पार्ट, उसको हमने एंटीसीडेंट में कन्वर्ट कर दिया कॉन्वर्स लिखते हुए. मतलब इफ द लाइंस आर पैरेलल, देन ये जो इफ से देन तक का पार्ट था एंटीसीडेंट गिवन कंडीशनल का, वो कॉन्सिक्वेंट बन गया कॉन्वर्स में. देन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल ऑफ द टू पैरेलल लाइंस, मतलब दो पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल ने उन पर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स बनाए, तो वो जो पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री रहेंगे, ओके. थर्ड क्वेश्चन देखो, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. अब ये कंडीशनल फॉर्म में नहीं है, पहले इसको कंडीशनल में कन्वर्ट करेंगे हम. अब देखो यहां पे कीवर्ड है रेक्टेंगल which belongs to the family of quadrilateral. So, if the given quadrilateral is a rectangle, then its diagonals are congruent.
इसे कॉन्वर्स में कन्वर्ट करना है आपको। सो क्या करेंगे कॉन्वर्स में, जो कंडीशनल का कॉन्सिक्वेंट पार्ट था, देन के बाद वाला पार्ट, देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये बन जाएगा कॉन्वर्स का एंटीसीडेंट। मतलब इफ द डायगोनल्स, इट्स बोला इट्स मतलब किसके, क्वाड्रिलेटरल के। सो इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट, देखो फैमिली पहले है, ओके क्वाड्रिलेटरल, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज ए रेक्टैंगल, जो कंडीशनल का एंटीसीडेंट था वो कॉन्वर्स का कॉन्सिक्वेंट बना। अब देखो ये प्रैक्टिस सेट 1.3 तो हो गया यहां पर, अब इससे रिलेटेड बाद में प्रैक्टिस सेट 1.2 और 1.1 इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रॉब्लम सेट 1 में है, वो आप प्रैक्टिस करो पहले, ओके उसके बाद मैं इसका वीडियो डालता हूं प्रॉब्लम सेट 1 का, प्रैक्टिस करो ताकि आपको इस कितना समझ में आया वो क्लियर हो जाएगा, ओके।